फिर एक बार पहले स्तव का अंतिम श्लोक 21वां श्लोक है। अख श्लोक एक दो, एक श्लोक एक दिन, ए श्लोका ए डे फ्रॉम पंचस्तवी फर्स्ट चैप्टर लघुस्तवास लास्ट श्लोका विच इज 21st श्लोका। लेट मी रिसाइट इट फॉर यू। सावद्यम निरवद्यम अस्तु यदि वा किं वानया चिंतया नूनं स्तोत्रम् इदं पठिष्यति नरो यस्यास्ति भक्ति स्वतई। सावद्यम निरवद्यम अस्तु यदि वा किं वानया चिंतया नूनं स्तोत्रम् इदं पठिष्यति नरो यस्यास्ति भक्ति स्वत्वयि। संचित्यापि लघुत्वात्मनि दृढं संजायमानं हठा संचित्यापि लघुत्वात्मनि दृढं संजायमानं हठा त्वद्भक्त्या मुकुरी कृतेन रचितं यस्मान् मयापि सुपुटम्। त्वद्भक्त्या मुकुरी कृतेन रचितं यस्मान् मयापि सुपुटम्। In this, the author says what he felt like while writing this. इस चिंता से क्या लाभ है, अर्थात कुछ भी नहीं, कि यह स्तोत्र चाहे दोष सहित अथवा दोष रहित, यह सुतुति हो जिस पुरुष की तुझ में भक्ति है, वह मनुष्य अवश्य ही पढ़ेगा, विमर्श करेगा, चिंतन करेगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से वाचाल तीक्ष्ण विमर्श युक्त बने हुए मैंने भी अपने स्वरूप में निश्चय करके दृढ़ता से उत्पन्न हुए अल्प भाव को विमर्श करके विचार करके हट से स्फुट भाव से इस स्तोत्र की रचना की है। अर्थात हल्कापन, शरीर प्राण इत्यादि के अभिमान का अभाव, वेरी हम्बली दिस ऑथर वाज सरेंडर्ड टू द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ मदर गॉडेस महात्रिपुर सुंदरी एंड एडमिट्स दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट whosoever follows this thought, this way, this path, need not to be perceived. He or she can follow and dedicate their lives for this spark, for this aspect of shakti, aspect of energy. Sar मात्र इतना ही है, जब भक्त शरणागति में आ गया तो फिर अच्छे और बुरे का विचार ही नहीं, सब खो जाता है। मात्र उस नाद का अनुगुंजारण ही सब कुछ रहता है। हम माता के नाम का गायन करें, उसी में सबका कल्याण है। और आजकल हमें इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। इति श्री लघुस्तवा प्रथमः, पहले लघुस्तव का यहाँ पर अंत होता है।